हलापति विजय मेरे दोस्तों भाइयों कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ बशाश होंगे। तो गाइस आपको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं और आपका स्वागत करते हैं अपनी आज की नई वीडियो में। जी जर्नी ऑफ वारिस से ले आए हैं हम आपके लिए एक्शन सीन हो गया ना पीछे, उसके बाद अब फर्स्ट डेट ऑफिस में भी देगा। शक्ल से तो पहुंचा हुआ लगता है। लेने का चंदा चाहिए? क्या कहा? हम चंदा लेने वाले लगते हैं? अगर नहीं पता हम कौन है तो इस चेयरमैन की सीट पे क्यों बैठा है? जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। और ये मीटिंग किस लिए? नो कॉन्फिडेंस मोशन। हमारे बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। मत भूलो ये एक लिमिटेड कंपनी है। जिस चेयर पे तुम बैठे हो ना, उस पर बैठने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेजोरिटी होना जरूरी है, और सैडली वो मेजोरिटी तुम्हारे पास नहीं है। कोर्ट नोटिस, आपको 2 दिन के अंदर मेजोरिटी प्रूव करनी होगी। ऑल द बेस्ट। अपने ही इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के खिलाफ। अगर आपके पिता ने आपको ये सीट दी है तो उन्होंने कुछ सोचकर ही दी होगी। वैसे हम तो आपके साथ हैं, पर मेजॉरिटी के लिए हमारा वोट काफी नहीं होगा। सॉरी, सबका वोट चाहिए। मेजॉरिटी चाहिए होगी ना, वोट होता है असेंबली का, वोट होता है। बोल। द बॉस रिटर्न्स। क्यों छोटे, ऐसे थिएटर की सीट समझा था क्या? टिकट खरीदा और बैठ गए। ये चेयरमैन की सीट है, इस पर बैठने वाला राजा होता है। तो इस कुर्सी के लायक नहीं है, इसलिए बेटा जहाँ से आया है वहीं निकल ले। लोकल जॉब में कोई इज्जत दुश्मनी आपस में। आधी रात को जगा के कॉफी मांगते, अगली बार मैं कॉर्पोरेट जॉब करूंगा। हाँ, ये लो कॉफी। क्या हुआ, तेरे चेहरे की घड़ी पे 12 क्यों बजे? इंसान जब तक अनाथ हो बहुत खुश रहता है। जिस दिन उसे रिश्तेदार मिले समझो उसका सत्यानाश शुरू। बालक तुम्हारी भी यही समस्या है ना? रसोई, ये बता दे कि ऊपर वाले ने रिश्तेदार क्यों बनाया? ऊपर वाला नहीं बनाता, नीचे आके वो खुद रिश्तेदार बन जाते। देख रहा, मेरी भी गले पड़ गए हैं। दोनों भाई जहरीले नाक है। नाक का बन तो कुचल सकते हैं, पर इन्हें तो ना ही कुछ बोल सकते हैं ना छोड़ सकते हैं। भाई नहीं है, दोनों के दोनों कसाई है। जहरीले रिश्तेदारों की किताब कहीं पढ़ी है? कहाँ पढ़ी है? हाँ, तुम्हारे पापा के रूम में। उसमें लिखा था राक्षसों को इंसान बनाने के लिए एक अच्छे इंसान को खुद शैतान बनना पड़ता है। उस किताब का नाम क्या था? जितेंद्रम धर्मेंद्रम धर्म युद्धम है? सही पकड़ा। प्यार जंग और अब धंधे में सब चलता है। अब आएगा विजय अपनी लाइन पे। विजय गिरी हो गया। बॉस एक्चुअली मिस्टर विजय, मैं दीपक हूँ, इस वोटिंग का रिटर्निंग ऑफिसर। आपके आने से पहले ही सबने वोटिंग कर दी है। मिस्टर अजय के पास पूरी मेजॉरिटी है। क्या कर रहे हैं, अनाउंस कीजिए ना सर, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। सर, डायरेक्ट वोटिंग तो गलत बात है सर, वोटिंग से पहले प्रचार भी तो होता है ना। बस 5 मिनट दे दीजिए ना। 5 मिनट में क्या हो जाएगा, यहाँ कोई दल बल तो नहीं है जो तेरे पार्टी में शामिल हो जाएंगे? 5 मिनट में तो सरकारें बदल जाती हैं सर, क्या पता मेरे होठ से निकली बात तुम्हारे वोट बदल दे। अच्छा, हमारे वोट तेरी तरफ हो जाएंगे? सर सर, इसे टाइम दो सर, देखते हैं ये 5 मिनट में क्या कुछ खिलाता है। तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। सर, इस कंपनी को बनाने में मेरे पिताजी का खून पसीना भूख प्यास। बंद करिए रोना, पापा ने खून बहाया, पापा ने पसीना बहाया, ये सब सुनकर हम नहीं पिघलेंगे।
ऐसी कहानियों से हम पे कोई असर नहीं होता। मोटी चमड़ी का हूँ बेटा, कुछ नया सोच। प्लीज वंस मोर मुन्ना, नई कहानी सोच। ऐसी कहानी सुनाऊंगा प्यारे, झटका खा जाओगे सारे के सारे। मुशायरे में बैठा है ये नाम है सर एक बुक का। किताब है? उस किताब में सबसे पहला चैप्टर है एक फैमिली मैन का, मुंबई का एक बहुत बड़ा आदमी जिसका नाम था क्या नाम था सर? इफ यू डोंट माइंड, मैं उस कैरेक्टर को आपके नाम से सम्मानित कर सकता हूँ। वेल राज, इजाजत है। वेल राज, एक आदर्श फैमिली मैन है सर। बेटी फॉरेन में डॉक्टरी कर रही है, बेटा एक बड़े कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। उनके उसूल और आदर्श इतने बजट के बाहर हैं कि बेटी के बर्थडे पार्टी पे भी चवन्नी खर्च नहीं करते। कहते मेरे बदबूदार और कम हीमोग्लोबिन वाले खून पसीने की कमाई है, और वाइफ तो उनको गॉड मानती है सर। ये कहानी सुनी सुनी सी लग रही है, कैरेक्टर्स भी मैच हो रहे हैं। लगे रहो मुन्ना भाई। सब हफ्ते के 5.5 दिन काम करते हैं, लेकिन वेलराज संडे को भी अपनी एड़िया घिसता। फटाफट नाश्ता ठूस के गाड़ी पे फटका मार के निकलते तो ऑफिस के लिए, पर नाके पे पहुंचते ही पान पट्टी के पास से यू टर्न मारते ही गाड़ी पहुंच जाती है सीधे। कहां पर सर? वृंदावन कॉलोनी। वहां पर ऐसा क्या है सर? अबे तुझे इस कहानी में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। सुनने दीजिए, आप चालू रखिए सर। सेकंड यूनिट सर, रोड नंबर 18, छोटा सा घर। रुक जा। और उस यूनिट को चलाती है उसकी दूसरी बीवी। उस यूनिट का आउटपुट तो एकदम कड़क है, 10 साल का लड़का। मेरे बाप, प्लीज आगे मत बोलना। सर आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, ये तो वो बुक वाला वेलराज है ना। ओ, बुक के बहाने पतलून उतार रहा है ना। अब वोट पड़ेंगे इसको। तो ये जो सेकंड यूनिट वाला बच्चा है, इसे विराट कोहली बनना है और ये बैट मांगता है। एक बच्चे ने बर्थडे केक के लिए पैसा मांगा तो उसके कान के नीचे खींच के बजाया, लेकिन दूसरे बच्चे के लिए $600 खर्च करके तुरंत ऑस्ट्रेलिया से बेहतरीन बैट मंगा के दिया। ये भी पता है। सेकंड यूनिट का बच्चा वो बैट लेके मैच खेलने गया तो उसे ग्राउंड पे छोड़ते हुए क्या बात कही है उसके बाप ने। क्या बोला सर? कप जीतना है बेगिल। बेगिल कप जीतना है बिगिल। बिगिल का टैक्सी दे दिया ना। पतलून तो उतर चुकी है, अब क्या लंगोट भी उतारेगा? तो फिर पहली बीवी को दूसरे के बारे में पता चल गया? अबे चुप, कैसे पता चलेगा बे? तुझे अंदाजा भी है वो वेलराज 2 यूनिट को कैसे संभाल रहा है? क्या भीत रही है उसमें? जीजा जी जो बोलेंगे वही होगा। अरे आगे बोलने की जरूरत नहीं है, आपने जो कहा समझो हो गया। जब वो वेलराज नाके की पान पट्टी से वृंदावन कॉलोनी तक पहुंच सकता है तो ये वेलराज यहाँ से वहां नहीं पहुंच सकता। लात मारता है इसी पार्टी पे। आज मेरी आंखें खुल गई। आलू से महंगा होता है प्याज, आज नहीं खुलने दूंगा कोई भी राज। सर मेरा 1 एंड ओनली वोट जाता है इसको, नहीं विजय भाई को। पार्टी बदल गई। और कोई हुक्म सर? आपके होते हुए क्या चल रहा है सर? ये रूल के मुताबिक है सर। ये चीज कुर्सी के लिए और ये मिस कर रहा था उसे मूवी में। 4 वोट और चाहिए। ओ चैप्टर नंबर 2, ये दास्तान है दोस्ती की। सर आपका क्या नाम है? मैं अपना नाम भूल गया। मुझे याद है, इसका नाम रमेश है। रमेश पैदा होने से पहले से ही रमेश है। तो रमेश और रहीम ने चिकमंगलूर के एक छोटे से गांव में चिटफंड की कंपनी शुरू की। कुछ वक्त के बाद धोखेबाज रमेश गरीब गांव वालों का सारा पैसा लेकर वहां से उड़नचू हो गया। उस हाय बद्दुआ वाले पैसे को इन्वेस्ट करके बड़ा आदमी बन गया, और फिर एक कंपनी के अंदर कौन बनेगा चेयरमैन वाला गेम खेल रहा है, और वहां रहीम हाथ सैनिटाइज करके उसके पीछे पड़ा। कौन खुलने वाली? तू हाथ लग गया तो तुझे छील के रख देगा। दल बदल ले। और तभी से रहीम हाथ में चॉपर लेकर गली गली रमेश को पागलों की तरह ढूंढ रहा है। अगर किसी ने रहीम को डीएम करके ये बता दिया कि रमेश कहाँ है तो पता है वो क्या करेगा? क्या करेगा वो सर? समझ नहीं आ रहा क्या करूं। I am waiting. I am waiting.
सर, मेरा वोट भी सर के लिए है। ओके। दल बदल ली तो दलदल में नहीं फंसा, नहीं तो हर तरफ की चीचड़ उड़ जाए। ज्यादा बोल मत सर। तीन और वोट चाहिए ना, इत्तेफाक से एक चैप्टर बाकी है, तीन लोगों की कहानी है। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, आप बोले तो मैं कहानी शुरू करूं। सर मैंने वो बुक पढ़ी है सर, सच में बहुत इंस्पायरिंग है। सर वही वाली बुक ना जो आपने मुझे दी थी। सच में बहुत इंस्पायरिंग है सर। अरे क्या बुक बुक लगा रखा है, जरा देखो तो कितने प्यार से बोल रहे हैं, इन्हें कैसे मना कर सकते हैं। मास्टर वो आपको क्या बात। मास्टर बेस्ट पार्ट यार, बेस्ट पार्ट। ए, ये सब क्या बकवास है? भूल गए क्या कहा था? ये थिएटर की सीट नहीं है। देखा कैसे मैंने एक ही तीर से तीन शिकार करके पूरी बाजी को पलट दिया है। रिजल्ट बताओ सर, नया चेयरमैन कौन है? मिस्टर विजय राजे, आपको कंपनी का चेयरमैन चुना जाता है। अरे वाह वाह वाह, आप उठ जाइए। जैसे कुछ ऐसा, अपनी कुर्सी पर बैठिए। बॉस रिटर्न्स। पावर सीट में नहीं मेरी जान, उस पर बैठने वाले में होनी चाहिए। और जो सीट पे बैठा है ना, वो सिर्फ पावर नहीं, पूरा पावर हाउस है। डायलॉग कैसा लगा? सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर है सर, फुल फायर। ओके, एक तो चित हो गया। क्या हुआ मां, खाना खाया आपने? चलिए आज साथ में खाते हैं, भूख नहीं है मुझे। कुछ हुआ है क्या मां? आरती ने जय को डिवोर्स नोटिस भेजा है। भैया जिस रास्ते पे थे उसके बाद तो ये होना ही था। उसकी माँ हूं मैं, उसका घर टूटते नहीं देख सकती। मेरी आंखों के सामने पूरा परिवार बिखर गया और मैं बस देखती रह गई। रिया के बारे में सोचकर मेरा जी घबरा रहा है। तेरे जितना बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है मुझ में। मैं समझ सकता हूं आप पे क्या बीत रही है, लेकिन तलाक के अलावा क्या आपके पास इस समस्या का और कोई हल नहीं है? तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं। इस वक्त आपसे क्या कहूं मैं भी नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि जिस परिवार को बनने में बरसों लगते हैं, अगर वो एक झटके में टूट जाए तो। तुम होते कौन हो ये सब कहने वाले? मेरे पापा कहां हैं? वो क्यों नहीं आ रही यहां बात करने के लिए? रिया, आप चाहे जो भी फैसला करें, मैं और मेरा परिवार आपका और रिया का हमेशा साथ देंगे, चाहे जो हो जाए। वापस कर गया 100। आखिर तुम चाहते क्या हो? उस दिन दीदी से तुमने ही कहा था ना कि छोड़ दो, और अब तुम मना कर रहे हो। ये नोटिस लो, अपने भैया को दो, देखना वो साइन कर देगा। पता था वो साइन कर देगा, इसीलिए यहां आया। जी आज हमने देखा जी पार्ट 7, हम आपके साथ लेकर आए हैं। 1 से शुरू हुए थे, 7 तक आ गए हैं, और हमने काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो है मूवी का कवर अप कर लिया है, और उम्मीद है कि जल्दी इंशाल्लाह हम ये मूवी कंप्लीट कर लेंगे आपके साथ। और आज हमने देखा जी किस तरह विजय ने चेयरमैनशिप
हासिल की वोट लेकर और सारी जो हमने स्टोरी चली और बाद में जो एक डिवोर्स का सीन चला कॉमेडी सीन था वो सारा, वो एक भाई बड़ा ही कमाल का कॉमेडी सीन था, बड़ा मजा आया देख के और हंस के यहाँ से दुखने लग गए थे। जो मास्टर वाला टच और बिगर वाला टच दिया था वो तो कमाल का ही था। तो ये था जी आज का पार्ट हमारा जर्नी ऑफ वारिसु का, वारिसु फुल मूवी का। ऐसे चलते रहेंगे आपके लिए, लेकर आते रहेंगे और हम ये मूवी कंप्लीट करेंगे आपके साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दें, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा, जाते हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर आ देखें जरा।